फ्रेंड्स, क्या आप इतिहास के पन्नों में लिखी इस कहानी को जानते हैं जो कई सौ साल पहले इंडिया और पोलैंड के बीच में शुरू हुई थी? क्यों आज भी पोलैंड इंडिया के उस महान इंसान का शुक्रिया अदा करता है जो आज नहीं रहे? जी हाँ दोस्तों, ये उस वक्त की बात है जब दूसरा विश्व युद्ध सितंबर 1939 में शुरू हुआ। जर्मनी और रशिया ने पोलैंड पर आक्रमण किया और बहुत से पोलैंड वासियों ने अपना देश छोड़ दिया और बहुत सारे देशों से शरण भी मांगी। उन पोलैंड वासियों में बहुत से अनाथ बच्चे थे जिनके माता पिता या तो मारे जा चुके थे या बिछड़ गए थे। जब उन्हें कहीं से सहारा नहीं मिला और ब्रिटिश क्राउन गवर्नर मुंबई इंडिया ने भी उन्हें शरण देने से मना कर दिया, तब दिग्विजय सिंह जी जडेजा, जो कि नवनगढ़ के महाराजा जम साहिब थे, उन कई सौ अनाथ बच्चों की मदद के लिए आगे आए। महाराजा दिग्विजय सिंह जी ने बच्चों को दिलासा देते हुए कहा कि तुम अब अनाथ नहीं हो बल्कि नवनगढ़ियन हो और मैं सब नवनगढ़ियों का बापू। महाराजा ने उन्हें हर तरीके की सुविधाएं प्रदान की, जैसे कि रहने के लिए घर, खाना, कपड़े इत्यादि। उन्होंने पोलिश टीचर्स को बुलाकर उन पोलिश बच्चों की एजुकेशन का भी अरेंजमेंट किया। तो जब कोई नहीं था तब हिंदुस्तान ने आगे बढ़ के ज़रूरतमंदों की मदद की, और आज भी पोलिश अनुशासन इस बात की प्रशंसा करता है। और यही नहीं, आज भी वॉर्सो पोलैंड में जम साहिब दिग्विजय सिंह जडेजा स्कूल, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद उनकी विरासत को दर्शाते हुए बनाया गया था। सिर्फ यही नहीं, वॉर्सो में एक स्क्वायर भी महाराजा जम साहिब के नाम पर समर्पित है, जो कि गुड महाराजा स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। इस कहानी का जिक्र एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म लिटिल पोलैंड इन इंडिया, जो कि इंडिया और पोलैंड गवर्नमेंट के कोलैबोरेशन से बनाई गई है, उसमें भी देखा जा सकता है। और तो और, अनुराधा भट्टाचार्य जी की एक किताब सेकेंड होमलैंड पोलिश रिफ्यूजी इन इंडिया भी इसी कहानी को बयां करती है। सो ये थी एक छोटी सी कहानी जो इतिहास के पन्नों में छिपी थी। मैं उम्मीद करती हूँ इसने आपकी इतिहास की जानकारी को बढ़ाया होगा और आप भी अब इस सारी जगह को रिलेट कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट मी बाय लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू माय चैनल। स्टे सेफ, स्टे चेयरफुल।